हेलो, कैसे हैं आप लोग? कल जो वीडियो आप लोग को हम दो वीडियो अपलोड करवाए हुए हैं रीजनिंग का, उम्मीद करते हैं आप लोग उसको पूरा देखे होंगे उस वीडियो को, और कुछ सीखने का मौका मिला होगा, उसको सीख रहे होंगे आप लोग। आज आपके सामने हम मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आज हम आपके सामने मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। चार प्रैक्टिस सेट तो आप लोग को करवा चुके हैं, चार प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा चुके हैं। अब आपका इसमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट शीट नंबर 5 आज आप लोग को हम सॉल्व करवाएंगे, जिसको आप लोग को पहले ही प्रोवाइड करवा चुके थे। उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए होंगे अपने आंसर और अपने मेथड को। आज हमारे मेथड की टैली कीजिएगा और आंसर मिलाने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा कि किस तरीका से जो क्वेश्चन को आप लोग लंबे लंबे तरीका से सॉल्व कर पा रहे होंगे, उसी क्वेश्चन को आज हम बहुत ही यूनिक तरीका और छोटे छोटे मेथड से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करने के लिए बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए होंगे, और उसके बाद अब आप लोग जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा और आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अपनी समान चाल की 3/4 साथ से चलने पर चाल हो गया 3/4। जो उसका एक्चुअल स्पीड है उसकी 3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय अपने सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब आप जानते होंगे कि दूरी अगर कांस्टेंट हो, याद रखिएगा डी बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। अगर इसका मतलब चाल बराबर क्या कह सकते हैं, दूरी बटा समय। अगर दूरी कांस्टेंट हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर दूरी नियत हो, जैसे 10 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है, अगर चाल को बढ़ा देंगे दूरी को तय करने में समय कम लगेगा, अगर चाल को घटा देते हैं उसी दूरी को तय करने में समय आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब दूरी यदि कांस्टेंट हो, डी अगर क्या हो आपका कांस्टेंट हो, नियत हो, तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 3/4। कितना दिया हुआ है, 3/4, चूंकि वही दूरी है। अगर स्पीड हो गया 3/4 तो समय क्या हो जाएगा आपका, खुद बताइए, 4/3। मतलब जिस दूरी को वो 3 मिनट में तय कर रहा था उस दूरी को अब 4 मिनट में तय करेगा। अंतर कितने का हो गया, 1 मिनट ज्यादा लगा। यही 1 मिनट दिया हुआ है, 20 मिनट विलंब होता है। अगर एक हो गया 20 तो पूछा क्या गया है सवाल में कि कार्यालय पहुंचने का नियत समय क्या है, नियत समय 3 दिन। कितना हो गया आपका, 20 या 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितना हो गया आपका उत्तर, 1 घंटा। 20 या 60 मतलब कितना हो गया, 1 घंटा। ऑप्शन में मिनट में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जब भी सवाल आपको ये दिया रहे कि दूरी वही है तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा क्या होता है, चाल। चाल और समय का आपस में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, सुमन एक काम को 3 दिन में और सुमित उसी काम को 2 दिन में करता है। सुमन और सुमित इसको लगता है 3 दिन, इसको लगता है 2 दिन। दोनों व्यक्ति का 3 और 2 दिन लग रहा है। आप जानते हैं क्षमता अगर आपकी बढ़ा दी जाए तो काम करने में लगा समय घट जाएगा, अगर क्षमता आपकी घटा दी जाए तो काम करने में लगा समय बढ़ जाएगा। मतलब क्षमता जो होता है समय का व्युत्क्रम होता है। अगर किसी को काम करने में 3 और 2 का रेशियो है, मतलब क्षमता क्या होगा, 2:3। अगर टाइम का रेशियो 3:2 है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2:3 में। और जिसकी जैसी क्षमता उसको उतना वेतन, जो क्षमता का अनुपात होता है वही वेतन का भी अनुपात होता है। इसकी संबंधित बहुत सारी बातें होती है, जब टाइम नेटवर्क आप लोग का क्लास लेंगे तो बताएंगे कि इसकी संबंधित कितना अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है, सब क्लियर करेंगे आप लोगों को। लगभग 200 प्रश्न आप लोग को बताएंगे टाइम नेटवर्क में, शुरुआत करेंगे 0 से ही। अभी हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसकी जैसी क्षमता उसका वैसा वेतन। मतलब सुमन को अगर 2 रुपया मिलता है तो सुमित को कितना मिलेगा, 3। 2 मिला के कितना मिला, 3, 2, 5। यही 5 दिया हुआ है, 150। 1 हो जाएगा आपका 30। तो पूछा गया है सुमन का वेतन 2, 2 कितना हो गया आपका, 60 रुपया। क्या हो गया आपका, उत्तर हो गया। बस वेतन जो मिलता है वो क्षमता के अनुपात में मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 3 में ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो कह रहा है कि बताएं बी तथा सी मिलकर काम को आरंभ करते हैं, बी और सी मिलकर काम को आरंभ किया है, लेकिन 2 दिन के बाद किसी कारणवश काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम को अकेला पूरा करने में को कितना समय लगेगा। खुद सोचिए आप, टोटल का एक तो एलसीएम मेथड है, फ्रैक्शन मेथड है। हम आपको एलसीएम से बता देते हैं, यहाँ पे दोनों देख सीखना एलसीएम भी आवश्यक है और फ्रैक्शन भी आवश्यक है, क्योंकि जहाँ एलसीएम कभी कभी क्या होता है, एलसीएम शॉर्ट कर देता है, कभी
फ्रैक्शन शॉर्ट कर देता है। ये चीज़ याद रखिए, जिंदगी में अगर मंजिल पाना हो तो हर रास्ता मालूम रखिए, तो अगर एक रास्ता अगर आपको मालूम हो और उस पर अगर जाम पकड़ा जाए, उस पर ट्रैफिक आ जाए, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा जाम छूटने का। वहीं अगर आपको दूसरा रास्ता पता हो तो अपने आप रास्ता को बदलिएगा, दूसरे रास्ता से मंजिल तक पहुंचिएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी भी सवाल को केवल एक ही मेथड से ज्ञात मत रखिए, क्योंकि कोई मेथड कहीं आसान होता है, कहीं के लिए टफ होता है। दोनों मेथड सीखना चाहिए। हम तो आप लोग को पूरा जब टाइम एंड वर्क करवाएंगे आप लोग को, तो पूरा का पूरा बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ सीखिए, इस सवाल में एलसीएम लगा के निकाल देते हैं। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना, यहाँ पे 180 का 18 दहे के 20 नमक और 30 छक्का 180, मतलब ये हुआ एक दिन में अगर ये 10 काम करता है तो बी 9 काम करता है और सी 6 काम करता है। तो प्रश्न में कह रहा है बी और सी दो दिन तक काम किया, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, 9 जोड़ 6 एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम। तो दो दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेगा और टोटल काम है कितना करना, 180 काम है। तो रेस्ट जो काम बचा आपका खुद सोच सकते हैं, 180 में से दो दिन में, एक दिन में तो 15 काम दोनों मिलकर करेगा, दो दिन में 15 गुना कितना हो गया 30 काम। इसका मतलब बचा हुआ काम कितना रह गया, 150 काम आपका क्या है बचा हुआ रहा है। इस काम को कौन करेगा, ये करेगा। तो टाइम ऑफ ये क्या होगा, क्योंकि ये एक दिन में 10 काम करता है, तो 150 काम कितना दिन में करेगा, 150/10 बराबर कितना हो गया, 15 दिन आपका उत्तर हो गया। तो अभी आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सीखना पड़ता है इसलिए लिखते हैं, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस आप लोग के अंदर होता होगा ना, इतना आपको लिखना नहीं, डायरेक्ट देखिए 9 × 15 = 29, 30 घटा 150 भाग दिए, एक ही बार में एक ही लाइन में आपका उत्तर आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ सारे बच्चों को हमें बताना पड़ता है, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ थोड़ा फास्ट होते हैं, सबको लेके चलना है, तो हर बात को लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके सामने रखा हुआ है। कह रहा है ए किसी काम ए, तीन नल है ए बी सी, एक टंकी को 12, 15, 20 घंटा में भरता है, ए 12 घंटा में भरता है, बी 15 घंटा में भरता है और सी 20 घंटा में भरता है। कह यदि नल पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, ए तो पूरा का पूरा खुला रहा, बी और सी को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी कितने समय भर जाएगी। देखिए कितना आसान सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो गया 60, 12 × 25 = 60, 15 × 14 = 60, 20 + 60, मतलब क्या हो गया कि एक घंटा में 5 लीटर भरेगा, ये 4 और ये 3 भरेगा। क्या कहा गया, पहला घंटा है ये ए खुलता है तो किसके साथ चलता है, पहला घंटा बी के साथ, और अगला घंटा ए तो खुला हुआ है बी बंद हुआ, तो बी के जगह कौन सी, बी के जगह कौन, ए आपका चल ही रहा है, बी बंद हुआ और बी के जगह सी चल रहा है, तो सी कितना चलेगा 3, ये पहला घंटा है, दूसरा घंटा सब मिला के कितना भाग हो गया, 5 × 4 = 9 और 5 × 3 = 8, 5 × 4 = 9 और 5 × 3 = 8, 9 = 8 जितना काम हो गया आपका कितना घंटा में, 2 घंटा में नहीं होगा, 2 घंटा में कितना, 9 = 8, 9 काम पहला घंटा हुआ, 8 काम दूसरा घंटा हुआ, सब मिला के कितना काम हो गया, 17 काम हो गया, कितना घंटा में, 2 घंटा में। अब आपको ध्यान ये देना है कि मैक्सिमम काम कितना है 60, 60 से ही काम तो हो नहीं सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे खुद सोचिएगा आप। यहाँ पे देखिए 17 है, 17 काम मैक्सिमम आपको 60 तक करना है, 17 × 4 = 17 × 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद सोचिएगा, यहाँ 17 × 51 = 51 काम आपका हो गया कितना घंटा में, 6 घंटा में 51 काम हो गया। अब आपका रेस्ट बचा कितना काम, खुद सोच के बताइए, 60 में से 51 काम हो गया, बचा कितना काम, 9 काम। और आप जानते हैं अगला घंटा कौन कर रहा होगा, अब अगला घंटा छठा घंटा कौन कर रहा होगा आपका, ए और सी, तो फिर सातवां घंटा तो कौन करेगा, ए और बी। हम जानते हैं ए और बी मिलकर के एक घंटा में कितना काम कर देता है, 5 × 4 = 9 काम कर देता है, मतलब दोनों मिलकर के कितना काम कर दिया, 9 काम, 9 काम तो करना ही था, 9 काम कर दिया। इसका मतलब हो गया कि टोटल कितना हो गया, 6 घंटा तो यहाँ लगा था और एक घंटा यहाँ लगा करने में, क्योंकि एक घंटा में दोनों मिलकर 9 काम करेगा, एक घंटा यहाँ लगा, सब मिला के काम कितने घंटे में हो गया, 7 घंटा में काम आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर से देखिए और समझने का इसको प्रयास कीजिए। बस करना कुछ नहीं है, ए बी सी निकालिए, 60 पहला घंटा है, सोचिएगा पहला घंटा, दूसरा पहला घंटा ए और बी चलेगा, अगला घंटा ए और सी चलेगा, फिर तीसरा घंटा ए और बी चलेगा, चौथा घंटा ए और सी, सम वाला घंटा ए सी, विषम वाला घंटा ए बी, छठा घंटा कौन चल रहा होगा, ए सी चल रहा होगा, अब अगला घंटा कौन चलेगा, ए और बी चलेगा, ए और बी जो चल रहा है आपका यहाँ पे, ए और बी चलेगा, इसका मतलब कितना, 5 × 9 काम करेगा दोनों मिलकर घंटा में, और 9 काम आपका बचा हुआ था करने के लिए, इसका मतलब हो गया कि 9 काम एक घंटा में कर दिया, 6 घंटा यहाँ लगा, 1 घंटा यहाँ लगा, सब मिला के समय कितना लगा, 7 घंटे का वक्त लगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक्स का एक्स परसेंट बराबर 64 है, तो क्या कहेंगे, एक्स गुना एक्स बटा 100 = 64,
इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर 64, स्क्वायर रूट कर दीजिए एक्स बटा 10 बराबर 8, इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं एक्स बराबर कितना हो गया 80 आपका उत्तर हो गया। पूछा गया था इसका मान क्या होगा, एक्स बराबर 80, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, किसी वस्तु के एमपी पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। एक बात आप लोग को बताए होंगे, एमपी बराबर क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, जब 10 का छूट दिया तो 20 का लाभ 120 और 90 ये हो जाएगा 30,090, 300 का 120, मतलब एमपी और सीपी में रेशियो कितने का हो गया 4/3 का, 4/3 का हो गया। फिर कह रहा है प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यदि लाभ की यदि छूट 20% कर दी जाए, मेरी बात को फिर समझिएगा, अब कह रहा है छूट को 20% अगर कर रहे हैं तो हम जानते हैं एमपी बटा सीपी, एमपी के लिए क्या बताएं छूट को 20% कर रहे हैं 100 में डिस्काउंट, बताए थे ना अभी आपको एमपी बराबर सीपी बराबर 100 में डिस्काउंट 20% की छूट कर रहे हैं तो कह रहा है कितने का प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको पूछा गया है जबकि एमपी सीपी का रेशियो कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए कितने का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, एमपी बटा सीपी 4/3 और 100 प्लस प्रॉफिट, और ये हो जाएगा आपका कितना 80 हो जाएगा, 800 का 32 320 बराबर हो जाएगा 300 और प्लस 3p घटा दीजिए 3p बराबर 20, तो p बराबर कर सकते हैं 6.2/3% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ। ये चीज को हमको पता है एमपीसीपी 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट कितना 20% का लाभ हो रहा है 120, 10% का छूट दे रहा था तो 90, रेशियो कितने का हो गया 4/3 का, एमपीसीपी का रेशियो 4/3 का हो गया। अब कह रहा है अगर उसको 20% का छूट दिया जाए, 20 का छूट दे रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का, 20 का छूट देंगे तो 80 प्रॉफिट, मान लिया कितने का 3% का प्रॉफिट है और रेशियो तो निकाल चुके हैं 4/3 का, सॉल्व करके निकालिए 6.2/3%। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है इसमें, एक व्यक्ति दो खंभे के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, दो खंभों के विपरीत दिशा में खड़े हैं, दोनों व्यक्तियों में उन्नयन कोण इतना इतना है तो खंभे की ऊंचाई 50 मीटर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इधर है, एक खंभा यहाँ है, एक खंभा यहाँ है, ध्यान दीजिएगा खंभा है, व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसके बाद कह रहा है प्रश्न में खंभे के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, दो व्यक्ति खंभा है ना, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कह रहा है उनके बीच का उन्नयन कोण 30 और 45 है, एक 30 है और ये कितना है 45 है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। तो कहा गया है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये पता करके, ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ऐसे प्रोसेस से बनाएंगे तो लंबा जाएगा। इसका जो शानदार ट्रिक्स होता है, डी बराबर होता है एच कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, एच कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, अगर अलग दिशा में हो तो प्लस और एक दिशा में दोनों होता तो माइनस होता है, ये सब आप लोग को हम बताएंगे कभी अगर त्रिकोणमिति का क्लास लिए तो। अब ध्यान दीजिए एच कितना हो गया 50, एक 30 एक 45, कॉट 30 का मान आप लोग को पता होगा, कॉट 30 होता है √3 और कॉट 45 का मान होता है 1, इसका हो जाएगा आपका नहीं दिख रहा होगा उधर 50 गुना √3 का मान होता है 1.732, इसमें 2 ऐड कर देंगे, एक है ना, एक ऐड कर देंगे इसमें कितना होगा 5 गुना 2.732, कुछ नहीं करना है बस गुना कर लीजिए 5 गुना 10 का 0 बच गया 1, 5 या 15 16 का 6 बच गया 7 35 36 का 6 बच गया 3 5 10 10 3 13 और 3 अंक के बाद क्या करना है आपको दशमलव डाल देना है। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया 136.60 सेंटीमीटर हो या मीटर हो जो भी हो उत्तर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये बस अगर इसको लगाएंगे ना और तरीका से लंबा जाएगा, ध्यान रखना है एक ही एक खंभा के दोनों सिरा की ओर कोई व्यक्ति देख रहा है, एक थीटा यहाँ एक थीटा यहाँ बन रहा है, दोनों के बीच का दूरी डी बराबर होता है, दोनों के बीच का दूरी डी बराबर होता है एच, एच मतलब हाइट, कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, 31 से 45 दोनों को वैल्यू को पुट कीजिए, पुट करके निकाल लीजिए, अगर फॉर्मूला याद रखिएगा तो विदिन 3 सेकेंड आपका काम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल दिया हुआ कह रहा है tan थीटा बराबर पी बटा क्यू, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 6, 7 या 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये निकालना है आपको इसका वैल्यू, हमको tan थीटा दिया हुआ है, क्या करते हैं इसको हम tan थीटा के फॉर्म में ले आते हैं, tan थीटा अगर करेंगे किसे cos से भाग कर देंगे, cos से भाग करेंगे तो क्या होगा p tan थीटा माइनस q, cos से भाग करेंगे तो p tan थीटा प्लस q, देखिए tan थीटा का मान p बटा q है, कुछ सोचे यहाँ p बटा q तो p गुना p बटा q माइनस q बटा P गुना P बटा Q
प्लस क्यू। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। एलसीएम लेंगे क्यू, जो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि बटा क्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका उत्तर हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ आपका उत्तर हो गया। अच्छा सवाल है ये सब, टेन थीटा का मान दिया हुआ, इसके वैल्यू को पता करना था, टेन थीटा में था, ऊपर दोनों में कॉस थीटा से भाग कर देंगे, कॉस से भाग करेंगे साइन बटा कॉस टेन, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, साइन बटा कॉस टेन, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, बस टेन के वैल्यू को पुट कीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। एक वस्तु के आंतरिक मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, 20 आप लोग जानते हैं इस बात को, किसी भी वस्तु का एमपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, या तो परसेंटेज पे भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन पे भी निकाल सकते हैं, हम परसेंटेज पे निकाल देते हैं आपको 100% है। 20% का छूट, विक्रय मूल्य कितना हो गया 80%, यही आपका 24 है, 1% कितना होगा 24/80। तो पूछा गया बताएं कि क्रांकित मूल्य पर 30% छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 30% का छूट देंगे विक्रय मूल्य 70% हो जाएगा, 30% का छूट 70% में बिकेगा, ये हो जाएगा 24/80 × 70, 8 × 24 कितना हो गया 21 रुपया, क्या हो गया आपका उत्तर हो गया, मतलब 70% के छूट पर जब वस्तु को बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 21 रुपया, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। अरविंद अपनी आय का 75% व्यय करता है, इनकम 1, अगर 100% था, एक्सपेंडिचर किया 75%, तो सेविंग आप खुद बता सकते हैं कितना होगा 25% का। अब सवाल में कह रहा है यदि उसने अपने व्यय में 10% की वृद्धि, सॉरी कह रहा है यदि उसकी आमदनी 20% बढ़ गई, अब इनकम 2 जो है इसका 20% बढ़ गया, कितना हो जाएगा 120, तो कह रहा है बढ़ गई, तो उसने अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर ली, पहले जो 75% था, 10% की वृद्धि मतलब बढ़ के कितना परसेंट, 110%, किसी वस्तु में 5% की वृद्धि मतलब 105% हो जाएगा बढ़ के, 20% की वृद्धि मतलब बढ़ के 120% हो जाएगा, और यहाँ कहा गया 10% की वृद्धि भी मतलब बढ़ के कितना हो जाएगा आपका 110%। सॉल्व कर दिया यहाँ से, 5 × 10 = 15 × 5 = 75, ये हो जाएगा 5 × 5 = 6 बटा 2, 8 × 16 = 2 × 8 = 2 × 5 = 10, सॉरी 16 × 2 = 4 = 82.5, मतलब अगर अब 120 रुपया उसका इनकम है तो सेविंग की, तो उसमें एक्सपेंडिचर कितना है उसका, एक्सपेंडिचर जो है 82.5 है, इसका मतलब सेविंग कितना हो गया, क्या मतलब सेविंग इसका कितने का होगा, इसको घटा दीजिए, घट के दोनों घट के देगा 37.5% का। तो कहा गया है बताएं कि, तो सवाल में पूछा गया है ध्यान दीजिएगा, तो बताएं कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 12.5% का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि टोटल ये तो 25 में कितने का वृद्धि हुआ, तो 100 में कितने का वृद्धि, तो 25 में प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है, तो 25 में 12.5 का वृद्धि, तो 100 पे कितने का 2500 का 100, इसका 5 का 20 का 0 बच गया 2, बचो 48 2 50, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, उसका उत्तर हो जाएगा 50% की, क्या हुई उसमें वृद्धि हुई, तो सेविंग है पहले से 50% ज्यादा है। अगर बहुत बच्चे क्या होते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ भी है 37.5% दिया हुआ है, और ऑप्शन ये नहीं, ये तो आपका नया है कि अगर 120 है तब इतना है, लेकिन पूछा है कि प्रतिशत हमेशा निकलता है 100 पर, 25 में इतना का वृद्धि, तो 100 में कितने का वृद्धि, इसका मतलब टोटल वृद्धि परसेंट कितना हो गया 50%। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद अपनी आय का छोड़िए, कह रहा है एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई 12 और 5 है, आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर वाले एक वर्गाकार बगीचा, तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा खुद बताइएगा आप लोग, क्या जो आय का क्षेत्रफल है, आय का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई 12 × 5 = 60, आय का क्षेत्रफल 60 होगा ना, क्योंकि वही तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल है आपका, ये 60 है, हमको पूछा गया है वर्गाकार बगीचे का विकर्ण पूछा गया है, इसका विकर्ण हम जानते हैं विकर्ण होता है √2 × भुजा, भुजा तो पता नहीं है, और भुजा बराबर होता है √2 × एरिया, ये सब फॉर्मूला ऐसे आपको डायरेक्ट हम याद रखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बच्चे हमसे जुड़े हुए नहीं है, उनको फंडामेंटल ये याद रहता है, तो हम इसे ही निकाल के बताएं, ऐसे आप ये याद रखिए फंडामेंटल है, बट ये स्टैंडर्ड याद रखिए कि वर्गाकार वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 × क्षेत्रफल, √2 × क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितने का है 60 का, 60 हो जाएगा कितना 15 × 60,
पहले चौका 60 हो जाएगा, 4 4 का निकल जाएगा कितना बाहर आपका 2, बाहर 2 2√3 सेंटीमीटर। ये पूछा गया है बताएं कि इसका परिमाप क्या होगा, वर्गाभिकर्ण क्या होगा, वर्गाभिकर्ण हो जाएगा 2√3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, मीटर है ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इस फॉर्मूला को ध्यान में रख सकते हैं, वर्गाभिकर्ण बराबर रूट 2 गुना भुजा, फंडामेंटल फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला आपका क्या है, फंडामेंटल है, लेकिन अगर एरिया ही पता हो, दैट इज एरिया बड़ा होता है रूट 2 गुना क्षेत्रफल, इससे भी आप फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, तुरंत में उत्तर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें कितना अच्छा दिया हुआ है। कह रहा है ए प्लस बी का 15%, 5 × 15 3/20, और ए माइनस बी का 25% मतलब 1/4, 15 से पता होगा ना, 5 × 15 और 5 कितना 20 से 25 100 होता है, जाट काट के निकाल दिए। अब देखिए ये कटेगा 4 × 5 = 20, मतलब क्या हो गया ए प्लस बी इंटू 3, 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 ए माइनस क्या होगा 5 बी। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप प्लीज डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 ए प्लस 3 बी बराबर हो जाएगा 5 ए माइनस 5 बी, इसको उधर ले आएंगे 5 × 3 = 8 बी बराबर हो जाएगा 2 ए, ये खत्म हो जाएगा a बटा b बराबर कितना हो जाएगा 4/a, मतलब a का वैल्यू 4 तो b का वैल्यू 1, ये ना होगा रेशियो के आधार पे। तो कहा गया है प्रश्न में, प्रश्न में ये पूछा गया है तो बताएं कि b का कितना परसेंट a के बराबर है, b का कितना परसेंट a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a है, यही पूछा गया b का, जिसका याद रखिए क्वेश्चन में जब भी कहा जिसका कहा जाए उसको हमेशा नीचे रखते हैं, प्रतिशत के रूप में कहा गया बी, बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, तो बी का बी कितना 1/4, और यहाँ पूछा गया आपका कितना परसेंट है 100, कितना परसेंट हो जाएगा आपका 400% आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बी का बी अगर 1 है, एक बी का कितना परसेंट ए है, बी का बी अगर 1 है तो 1 कितना है 4 है, 1/4 तो 100 में के नहीं, कहा गया बी का कितना प्रतिशत ए है, बी का बी नीचे कितना परसेंट ए पूछा गया, ए कहाँ होगा ऊपर होगा, आंसर हो जाएगा आपका 4%, ऑप्शन 400%, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 18 कुर्सी का मूल 4 मेज के बराबर है, सॉरी 18 नहीं, कितना कुर्सी 10 चेयर का मूल 4 टेबल के बराबर, 2 × 4 2×5 = 10, मतलब 5 चेयर बराबर कितना हो गया 2 टेबल, इसका मतलब हो गया चेयर और टेबल के मूल्य का रेशियो कितना हो गया, रेशियो भी बता देते हैं आपको 2/5, ये आपको दिया हुआ है 2/5 हम निकाल लिए। अब सवाल में कह रहा है तो 15 कुर्सी और 2 टेबल का मूल, कह रहा है 15 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, 4000 रुपये आपको दिया हुआ है, 15 कुर्सी और 2 टेबल का मूल। अब बताइए एक चेयर का मूल 2 है तो 15 चेयर, एक चेयर का मूल 2 और एक टेबल का मूल 5 है, एक चेयर का मूल 2 तो 15 × 30, एक टेबल का मूल 5, 5 × 10 यही आपका कितना है 4000, 40 यूनिट आपका दिया हुआ है 4000, एक यूनिट आपका हो जाएगा कितना आपका 100, एक मिनट आपका 100 हो गया। तो निकाल पूछा क्या गया है सवाल में ये देख लीजिए, तो 12 कुर्सी 3 मेज का तो 2 का वैल्यू कितना होगा 200, 5 का वैल्यू कितना होगा तो 500, मतलब 200 चेयर का, एक चेयर का मूल 200 रुपया और एक टेबल का मूल कितना हो जाएगा 500 रुपया। तो पूछा क्या गया है सवाल में आपको, तो सवाल में पूछा गया है 12 कुर्सी 3 मेज, 12 कुर्सी और 3 टेबल, एक चेयर का मूल 200 है तो 12 चेयर का 2400, एक टेबल का मूल 500 तो 3 एक चेयर का मूल टेबल का मूल 500, 3 टेबल का मूल 1500, सबको जोड़ दीजिए कितना हो गया इसका मूल 3900 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। बस रेशियो निकाल लेना है कि चेयर और टेबल का मूल का रेशियो कितना हुआ 2:5, एक चेयर का मूल 2 तो एक टेबल का मूल 5 हो जाएगा, निकाल लेना है यहाँ पे चेयर एक चेयर का 2 15 × 30, एक टेबल का 5 5 × 10 सब मिला के कितना 40 यूनिट का वैल्यू कितना है 4000, एक यूनिट आपका 100, 2 अनुपात का वैल्यू निकाल लिए, उससे भी जो कहा गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, 2 वर्ग का परिमाप 24 और 32 है, पहला वर्ग इसका परिमाप 24 है, दूसरा वर्ग का परिमाप क्या है 32 है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, पहला वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि पहला वर्ग ये था, दूसरा वर्ग ये था, इसका परिमाप ये, इसका परिमाप ये, परिमाप इसका भुजा इतना और इसका भुजा इतना 4/4, परिमाप भुजा बराबर होता है परिमाप 4/4, और ये भुजा निकल गया, और भुजा का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा, और यही दोनों एरिया का योग क्या होगा न्यू एरिया, न्यू स्क्वायर जो आपका तैयार हुआ है, न्यू वर्ग जो उसका आपका एरिया ही ना होगा, जोड़ दीजिए 6 के 36 8 8 64 बराबर कितना हो गया आपका
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सवाल में पूछा क्या गया है, तो ध्यान दीजिएगा, तो बताएं कि तो उसका परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, याद रखिएगा वर्ग का परिमाप और भुजा बराबर आप जानते हैं रूट ओवर एरिया, अभी तो पीछे भी बताया आपको रूट ओवर एरिया, तो 4 गुना एरिया का मान 100 है, रूट ओवर 100, 100 मतलब 10, 100 का 40 सेंटीमीटर, क्या हो गया आपका उत्तर, कितना हो गया 40 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो गया। तो पहले करना क्या होगा आपको, एक वर्ग दो वर्ग दोनों वर्ग का पहले भुजा ज्ञात किए 4 से भाग देके, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर दिए, क्षेत्रफल निकल गया, जो क्षेत्रफल उसका होगा वही क्षेत्रफल नए वर्ग का होगा, नए वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है, भुजा बराबर रूट ओवर एरिया, फॉर्मूला का प्रयोग कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन शॉर्ट में कैसे बनता है सो देखते हैं इसको। देखिए 1/3 1/6 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ होगा ना, माइनस हाफ प्लस हाफ खत्म, केवल एक बच्चा, एक तो काम खत्म, अब यह हाफ बच्चा, सॉल्व कीजिए, हाफ 1/4 में 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप 1/4 एलसीएम 4 हो जाएगा आपके, यहाँ पे नहीं इच्छा करके देख लीजिएगा, इसे करना नहीं चाहिए, सब कैलकुलेशन अपने दिमाग में खा कीजिए, ये हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस 2 बराबर कितना हो गया, -1/4, पहले ही बताया -1/4 होता है, 1 में से 1/4 गया, आप खुद बताइए कितना हो जाएगा 3/4, अब इसको जोड़िए 3/4 3 1 3 है, 1/4 में 3/4 जोड़ेंगे 4/4 मतलब 1 और 3 1 कितना हो गया 4, अब इसको गुना कर दीजिएगा 8 × 16 1 17/2 × 4 2 से 2 17 × 2 कितना हो गया आपका उत्तर 17 × 34 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया 17 × 34 आपका उत्तर हो गया। बहुत आसान सवाल है, बस बैक से चलना, इस तरह के सवाल जब भी एग्जाम में आते हैं तो बस बैक से चलिए और कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट रखिए, ज़्यादा आसानी से बनता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे सवाल में एक समत्रभुज के विकर्ण क्रमशः 32 और 24 सेंटीमीटर है, इनके समत्रभुज का परिमाप हम जानते हैं, समत्रभुज का भुजा a बराबर एक फॉर्मूला होता है 4a² = d1² + d2² आप लोग को ये याद होना चाहिए कि कोई भी समत्रभुज इसकी भुजा आपका a हो, इसका एक विकर्ण d1 है, इसका एक विकर्ण आपका d2 है, और जानते हैं कितना में परिच्छेद करता है, 90 पे करता है, तो 4a² इसका प्रूफ भी होगा, अगर वक्त मिला इसे बताएंगे तो प्रूफ भी है इसका, 4a² बराबर होता है d1² + d2², इसको हम लोग याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं a बराबर होगा √d1/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करिएगा फॉर्मूला को, और d2/2 का होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ d1 आपका कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 32 दिया हुआ है, सर 32 दिया हुआ है, पहला भुजा 32, दूसरा भुजा 24, 32/2 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 24 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, चौबीस बटा दो का होल स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 6 × 4 = 10, 5 × 10 का 0 बच गया 1 2 1 3 1 4 कितना हो गया 400, रूट ओवर 400 सॉल्व करके निकालिए कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो उसकी भुजा निकला, पूछा गया है परिमाप, हम जानते हैं परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा = 4 × 20, 20 चौका कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, 20 चौका कितना हो गया 80 सेंटीमीटर उसका आपका उत्तर हो गया। ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि समत्रभुज का भुजा और विकर्ण ज्ञात हो, भुजा और विकर्ण जो संबंध है वो संबंध होता है 4a² d1² + d2² याद रखिएगा, और जब कब मेंसुरेशन आप लोग को पढ़ाएंगे उसमें आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट 500 क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को मेंसुरेशन में जब स्टार्ट करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा रहे हैं और यूनिक क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, यहाँ से ये निकाले और यहाँ से परिमाप निकाल लिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 था शायद, सब मिला के क्वेश्चन इसमें 40-45 क्वेश्चन लगभग में, जो भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, तो आज का छोटा वीडियो हम इससे रखते हैं आप लोगों के लिए कि छोटा वीडियो देखने में आपको सहूलियत होता है, और लंबा वीडियो होता है देखते देखते मन भारी हो जाता है, बच्चे देख नहीं पा रहे, छोटा वीडियो रखेंगे तो देखने का उत्साह बना हुआ रहता है और पूरा वीडियो देख पाते हो, बड़ा वीडियो क्या होता है मन में आलसीपन आ जाती है, इसलिए उतना बड़ा वीडियो नहीं रख रहे, छोटा ही रखें, 15-16 सवाल इसमें आपको करवाएं, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन नंबर 17 से चलेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे होगा वो देख लीजिएगा आप लोग, SI/CI का अंतर निकालने का तरीका, बहुत सारा मैथ क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, उसमें आप लोग सब बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, तो इस वीडियो में कहानी इतना ही रखते हैं, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो कुछ यूनिक लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि उत्साह हमारा बना हुआ रहे, और ये सवाल आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको वहां दिया हुआ है,
डाउनलोड करके इसको सॉल्व कीजिए। कल पुनः हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तब कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ।